तीन गुना फन होने वाला है। अब सबसे मिलाऊंगा इस वाले व्लॉग में, बहुत स्पेशल होने वाला है। इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना भाई, बीच में स्किप मत करना तुम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग हमेशा की तरह बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ बड़ी दीदी के ससुराल। बड़ी दीदी यहाँ पे आ चुकी है, तुम्हें पता हो तो मेरी बड़ी दीदी प्रोफेसर है, तो उनको लेने जा रहे हैं। दो तीन दिनों के लिए घर पे आएगी। और हाँ, एक और चीज, वोट मैंने डाल दिया है। और मैं ना तुम्हें पिछले वाले व्लॉग की तरह एक और शानदार चीज दिखाता हूँ। दिखाऊं तुम्हें? ये देखो भाई, अगर तुम्हें दिख रही हो तो ये बिल्ली हमारी कार के नीचे डेली आ जाती है, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा पड़ती है ना भाई, इन जानवरों को भी छाया चाहिए। बाकी मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई जो जानवर होते हैं उनके लिए पानी वानी का समाधान कर दिया करो अपने घरों में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। देखो यार, हम इंसान जो होते हैं ना, वो तो कूलर और एसी की हवा में आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन इनको भी गर्मी लगती होगी। लो भाई, यारी भाभी रुआ क्यों रखो भाई, वो रुआ कौन रहा है इसको? आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इसको, इसलिए रो रहा है। अभी एक बार मैं इसको गोदी में ले लेता हूँ, फिर ये चुप हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे को जानता है। तो भाई मेरे पास आते के साथ चुप हो जाता है, देख रहे हो, फोन लेगा। ये ले फोन, ले ले लिए फोन, आते के साथ चुप हो गया ना, जब आया था जब रो रहा था, देख रहे हो तुम भाई, ये मेरे को जानता है अच्छे से। हंस के दिखा दे भाई, ये बहुत, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था ना तुम्हें, बहुत मूडी आदमी है, मतलब मूडी बच्चा है। जब मन करता है जब हंसता है, जब मन करता है जब रोता है। लो भाई इससे और मिल लो, देखो कैसे सामने बिल्ली जा रही है, ये यहीं रुक गया भाई, उसको पाड़ के तो आ। ओए भाई इतना आलकसी है ना ये, बिल्ली को देख के भी नहीं भागा, देख रहे हो तुम, इतना आलकसी बना दिया इसको। तो भाई एक बार मैं राबड़ी पी लेता हूँ, जिसको दलिया बोलते हो तुम लोग, हमारे इधर तो राबड़ी बोलते हैं, एक बार मैं पी लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे जीवांश को लेने गाड़ी में। यानी कि बड़ी दीदी जो मैंने बताया ना तुम्हें आ रही है, तो उनको लेने चलेंगे सीधा, गाड़ी में चलेंगे, तो मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा आज, ठीक है? एक बार मैं राबड़ी को पी लेता हूँ। अभी नैनू को लेके आना है और जीवांश को लेके आना है, खुशी को लेके आना है, सबको लेके आएंगे। सबसे मिलाऊंगा इस वाले व्लॉग में, बहुत स्पेशल होने वाला है। इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना भाई, बीच में स्किप मत करना तुम लोग। मैं तुम्हें आगे रास्ते तुम्हें मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाए थे, पिछले कुछ व्लॉग से मैं दिखाते ही आ रहा हूँ तुम्हें रास्ते कैसे कैसे हैं। अब देख लो तुम खुद ही यार, रास्ते रास्ते के बीच में नाली जा रही है, वहां पे देखो कितना घोच बना रखा है। मैं तुम्हें बताऊँ रास्ते हमारे यहाँ के कैसे हैं, रोड तो बन नहीं रहे, तो लोगों ने पता क्या कर रखा है, लोगों ने उठा के रोड पे ही, मतलब ये इन रस्तों पे ही वो। हाँ यार, ये सीट बेल्ट का इशू है, एक बार मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ बस, ताकि आवाज कम हो जाए, ठीक है जी। सीट बेल्ट मैंने लगा लिया, तो मैं बता रहा था तुम्हें हमारे इधर के रास्ते कैसे हैं, हमारे इधर के रास्ते पता कैसे हैं, रास्ते रोड बन नहीं रहे रास्ते के, तो लोगों ने पता क्या कर रखा है, पत्थर डाल दिए भाई। यार पत्थर डालने से ना और खराब होता है रोड, मतलब रास्ता, रास्ते नहीं बन रहे भाई, जो रास्ते मेन गांव में जाते हैं ना, वो गांव के रास्ते बन नहीं रहे हैं। लोग पता क्या है, जब मैं कैमरा लेता हूँ ना हाथ में, तो लोग देखते हैं कि ये कर क्या रहा है भाई, व्लॉगिंग कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है ऐसे मत देखा करूँ, पर देख भी लो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं पड़ता फर्क। जो नए नए व्लॉगर है ना, मैं उन्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ भाई, जो नई नई व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, और उनको थोड़ा सा भी अगर ये है कि यार लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, भाई लोगों का रोल नहीं है तुम्हारी लाइफ में, समझ रहे हो? लोग बोले कुछ भी सोचें, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं है भाई तुम्हारी लाइफ में, सही बता रहा हूँ। वो सिर्फ तुम्हें नीचे नीचा दिखा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। मैं भाई अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता हूँ, समझ रहे हो? जो मेरी बड़ी दीदी है ना, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, अभी मैं मिलाऊंगा उनसे। बाकी मैं अब मेन रोड पर पहुंच चुका हूँ, अभी सीधा पहुंचते हैं बड़ी दीदी के ससुराल में। भाई फाइनली मैं बड़ी दीदी के घर पे पहुंच चुका हूँ, यानी कि ससुराल, और वो आने वाले हैं। सामान सारा पीछे रख लिया है, और बाकी वो लोग टाटा बाय बाय जो भी करके आ रहे हैं अपने आ जाएंगे। जीवान से मिलाऊंगा, नैनू से मिलाऊंगा, खुशी से मिलाऊंगा, भाई सब लोग मिलेंगे आज तुम्हें, समझ रहे हो? व्लॉग को इसीलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग से, यार व्लॉग को ना एंड तक देखना। बड़ी दीदी आ चुकी है, मतलब गाड़ी में आ चुकी है, अभी घर जा रहे हैं हम लोग। ये जीवांश, जीवांश को पहले व्लॉग में देखा था तुमने, जीवांश आप पहले व्लॉग में थे ना, पहले व्लॉग में यार आप वहाँ पे नहीं गए थे क्या? कहाँ? वहाँ पे अक्षरधाम, आप भी तो गए थे। अरे हाँ, पर वो तो पुराना हो गया ना। तो खुशी
टेंथ क्लास के एग्जाम दिए खुशी ने, ये मेरी बड़ी भांजी है, ये छोटी वाली भांजी है, जो बड़ी वाली भांजी है जिन्हें टेंथ क्लास के एग्जाम दिए एंड शी टॉप, ये टॉपर बनी क्लास की, समझ रहे हो? कितने परसेंटेज थे खुशी? 93 तेज, 91 में 93। एक सेकंड रुको भाई, वॉल्यूम तेज कर दो इसकी। 93% भाई, 10th क्लास में 93% इसके। ओ टाटा कर रही है भाई, कर दे टाटा करना, टाटा कर दो। फिलहाल मैं रेगुलर व्लॉग बनाना चाहता हूँ, अभी भी मैं रेगुलर व्लॉग बनाऊंगा, डेली की डेली। डेली आएंगे ना भाई जीवान? हाँ। किस चीज के आएंगे बताओ? अब वो नहीं पता, वो मैं और आप ही तो डिसाइड करेंगे कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। ठीक है भाई, अब घर जा रहे हैं, ठीक है अभी घर निकलते हैं, उसके बाद मैं अगली अपडेट देता हूँ तुम्हें। क्या कर रहा है? मिठाई लिए, मिठाई अरे लो ना। अच्छा मेरे को दे रहे हो क्या? जब मिठाई लेके आया तो खा रहे हैं, जीवांश भी खा रहा है, बर्फी रगड़ रहा है। मैंने दही खा लिया, राबड़ी खा ली, तुम्हें दिखाई थी ना मैंने, मैं राबड़ी पी के गया था और अभी भी राबड़ी खा रहा था। राबड़ी कुछ नहीं खा रहे हैं राबड़ी राबड़ी मैंने खाई और दही मैंने पिया इसके आने से पहले, दोनों चीजें मैंने तुम्हें दिखाई भी होगी, राबड़ी और दही पीते हुए। ये देखो भाई, कितनी देर में फिनिश करेगा इसको? 1000 इसको मैंने बोला था कि अगर तू दही खा लेगा तो आज मार्केट लेके जाऊंगा, लेकिन इसने दही नहीं खाया, अब बोल रहा है कि मेरे को पीसी में गेम खेलना। इधर ही हो भाई, तूने दही क्यों नहीं खाया आज? खाया मैंने। झूठ क्यों बोल रहा है, दही तो तूने खाया ही नहीं आज। मैंने खाया था GTA 5 ऐसे बोल रहा है, GTA 5 गेम खिला दो। कहाँ से खिलाऊं भाई? पीसी तो चलता ही है लाइट के बिना, और वैसे भी मेरा पीसी तो बहुत पुराना है। पुराना नहीं है, एकदम नई ब्रांड है। आज भाई मेरे और तन्नू का बाहर मार्केट में जाने का प्लान है, मैं और तन्नू बाहर मार्केट में जाएंगे और व्लॉग बनाएंगे, लेकिन वो बर्गर खाएंगे भाई। तो भाई मैं, तन्नू और खुशी, हम तीनों चल चुके हैं कहाँ पे? मार्केट में। मैं तो मॉल में जाऊंगा, कुछ खाऊंगा। मॉल में जा ही नहीं रहे हम, तो मार्केट में जा रहे हैं अभी, तो कल जाएंगे मॉल में। अरे कल कल आप जा रहे, कल थोड़ी जाओगे तुम लोग, तुम लोग नहीं जाओगे कल, इस घर से ही जा रहे हैं कल नहीं जाओगे तुम लोग, आज हम इस घर से ही जा रहे हैं। तुम लोग जिस दिन तुम्हारी रिजर्वेशन है ना अहमदाबाद की, उसी दिन जाओगे यहाँ से। हाँ झूठ मत बोलना। अरे सही में यहीं पे अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे बढ़िया। आज क्या खाएगा तन्नू जल्दी बता? बर्गर खाएगा, आइसक्रीम, इसका मीठा बहन है, मैंने तुम्हें पहले बताया व्लॉग में, हर चीज में चीनी खा रहा है। देख चाय, तो चाय में नमक मिला, ओए चाय पीता है, चाय में नमक मिला के पीता भाई, ऐसे देख रहे हो तुम क्या कॉम्बिनेशन है इसका। लोग तो स्ट्रीट फूड को ऐसे ही बदनाम करता है कि स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं मिलता इंडिया में, मैगी में मिरिंडा मिला देंगे, मैगी में कोल्ड ड्रिंक और कुछ कुछ जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, मैगी में बटर मिलाएंगे इतना ज्यादा। भाई मैगी में बटर डाल के कौन खाता है यार, बटर इतना सारा। ले भाई यही है वो स्ट्रीट फूड का इन्वेंटर, इसने इन्वेंट की हुई है ये सारी चीजें। भाई आपको क्या मजा आता था? मैगी में सॉस डाल के खाती है, मुझे तो मैगी में सॉस डाल, मैगी में पूरा भर देता हूँ, सारा बोतल खत्म कर देता, इतना सॉस डालता हूँ मैगी में, होटल में जाके सारी बोतल खाली कराता हूँ। सुन लो भाई, बस एक बार मैगी में। लो भाई ये कॉम्बिनेशन है इनके, अब ये चीजें हमारे इधर तो मिलती नहीं है, हम तो भाई सिंपल लोग हैं, ये खाते हैं मैगी में सॉस डाल के, मक्खन डाल के, है ना, मिरिंडा डाल के, कोल्ड ड्रिंक भी डालते हो क्या? हाँ, मैं डालता हूँ। भाई तो अभी चल रहे हैं सीधा मार्केट में, अभी मैं मिलता हूँ सीधा तुम्हें बर्गर शॉप पे, बर्गर खाएंगे। तो भाई बर्गर हमने ले लिया है, तन्नू की भी यही पसंद है, खुशी ने भी यही बोला था कि बर्गर ले लेते हैं। वहां पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया, पता क्यों? वहां पे मुसलमान बैठे हुए थे, मतलब मुसलमान औरतें बैठी हुई थी, सही बताऊं तो। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, दिखा भी दिया ना मैंने तुम्हें कि मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन भाई मुसलमान ना औरतें बैठी हुई थी बुरखा पहन के, सही नहीं लगा मुझे। मैं एक बार ट्राई करी थी कुछ बोलने की, फिर मेरे को लगा यार ये
कैमरे वैमरे में आ गई तो ये फंड भी बहुत करते, तुम्हें पता ना फंडे बहुत चलते हैं इनके, कि हम तो बुर्गे में बैठे थे और फिर भी हमें कैमरा में ले लिया, ये वो है। हमने बुर्गर ले लिया है, फैमिली के लिए भी लिया है और अपने लिए भी ले लिए बर्गर। अब बर्गर खाएंगे। अनु बर्गर पसंद है? हाँ। अनु बोल रहा था कोल्ड ड्रिंक और चाहिए, पर इसके भाई शुगर की शिकायत आ चुकी है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, तो इस वजह से इसको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकते। छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से जितना दूर रखो उतना बढ़िया यार, ये सबसे गंदी चीज होती है, पता है तुम्हें? टेस्ट में बहुत बढ़िया लगेगी लेकिन सबसे गंदी चीज अगर इस दुनिया में कोई बनी है ना, वो पहले नंबर पे कोल्ड ड्रिंक ही है भाई। जीवांश जो है ना, ये जो साइड में बैठा है बच्चा भाई, ये है ना, ये बहुत शरारती बच्चे होते हैं ना, उनसे भी चार कदम आगे है। हमारी रिश्तेदारी में ना एक दो शरारती बच्चे हैं, ठीक है, खुशी जानती होगी, जिनसे कल मिलने गए थे तुम लोग भाई, उनको भी परेशान करके आए। मेरी जो मौसी है ना, वो बोलती है वो बहुत शरारती है भाई, उनसे भी बड़ा शरारती ये है। ये बैठा ना, तुम्हें दिख रहा होगा भोली से शक्ल का, एक दांत भी नहीं है इसके, है ना, तुम्हें बहुत बेचारा लग रहा हो। क्यूट तो है लेकिन तुम्हें बेचारा लग रहा होगा, ये बेचारा नहीं है भाई। अब इसे पार्थ से तो ये लोग मिले नहीं है, पार्थ का और नैनू का और जीवांश का और खुशी का, इनका कोलैबोरेशन होगा अब, जिसका मैंने व्लॉग के शुरुआत में जिक्र किया था, जिस चीज का। ये रहा पार्थ। पार्थ भाई हेलो। भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? भाई ये रहा भाई ना। तो भाई जैसा कि तुमने देखा मेरे जैसा कि तुमने देखा कि कोलैबोरेशन फेल हो चुका है, क्योंकि यार सभी लोग बोल रहे हैं एक साथ, तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। आया तुम्हें समझ में? सही से बताना। वीडियो को यहीं की एंड करते हैं। एंड अभी नहीं करना, नहीं वीडियो को एंड नहीं कर रहे भाई अभी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट आपको क्या चीज अच्छी लगी क्या बुरी लगी वो कमेंट में बता देना, ठीक है? वीडियो को यहीं की यहीं मैं एंड कर रहा हूँ, बाय।